और ये तनाव क्या इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज पांचवें दिन भी रूस सफल नहीं हो पाया है राजधानी कीव पर कब्जा करने में। बातचीत जो चल रही थी बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर, क्या उसका असर कुछ होगा या फिर आज रात, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शहर खाली कराया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित कीव से निकल जाएं, क्या रूस का बड़ा हमला होगा? देखिए, पांच दिन में रूस ने कई बार प्रयास किया, पहले हवाई बमबारी की, पूरे यहां के 14 बड़े एयरफील्ड्स को निशाना बनाया, यहां के एम्यूनिशन डंप्स को निशाना बनाया गया, फ्यूल स्टेशन को निशाना बनाया गया, वहां के डिपो को, उसके बावजूद कीव झुका नहीं, यूक्रेन झुका नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस आसानी से रूस ने यूक्रेन में युद्ध का आगाज किया उसे अंजाम तक पहुंचाना अब पुतिन के लिए उतना ही मुश्किल साबित हो रहा है। युद्ध के पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुतिन का यूक्रेन वाला प्लान पूरा नहीं हो सका है और यही वजह है कि इशारों में परमाणु हमले की धमकी देने वाले रूस ने अब न्यूक्लियर ट्रायल को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूक्रेन पर हमला कर दुनिया भर में घिर चुका रूस परमाणु शक्ति के दम पर इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा है? क्या अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का जवाब रूस परमाणु हमले से देने की तैयारी कर रहा है? क्या यूक्रेन में सेना उतार कर फंस चुका रूस अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? दरअसल माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन से लड़ाई इतनी लंबी चलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि रूस ने चंद दिनों में लड़ाई के खात्मे का पूरा खाका तैयार किया था। पहले दिन ही रूस ने यूक्रेन पर कई दिशाओं में हमला किया। योजना यूक्रेन को चारों ओर से घेर कर जल्द झुकाने की थी। कुछ जानकारों का मानना है कि कई दिशाओं से हमले की रणनीति ही रूस के रास्ते में रोड़ा बन गई। हालांकि रूस ने अभी हवाई हमलों का इस्तेमाल अपनी ताकत के हिसाब से नहीं किया है। ऐसे में अगर बेलारूस में चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो रूस के सैन्य कमांडर जल्द अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। दुनिया का दबाव बढ़ा तो प्रलय मचाने वाले परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में रूस किसी से कम नहीं है। डर इसी बात का है कि पुतिन की सनक कहीं सर्वनाश का सबब ना बन जाए। इस खतरे के पीछे रूस के पास मौजूद विनाशकारी हथियारों का जखीरा है। यही वजह कि रूस के खतरनाक रुख से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक एक कदम पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक।